श्योपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर भाजपा कांग्रेस के बीच चल रही जद्दोजहद के बीच में जिले में बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा कोषाध्यक्ष और नव निर्वाचित वार्ड क्रमांक एक मानपुर से जिला सदस्य सुरेश कुमार लालावत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सुरेश कुमार लालावत ने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि 29 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए होने वाले चुनाव में मुझे वोट देने के लिए मेरे परिवार और रिश्तेदारों को धमकाया जा रहा है, बार बार घर पर जाकर परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पैसों का प्रलोभन भी दिया जा रहा है, जहां भाजपा नेताओं के द्वारा धमकी दी जा रही है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें उठा लेंगे। वहीं सुरेश कुमार लालावत ने अपने साथ किसी प्रकार की अनहोनी होने पर उसका जिम्मेदार भाजपा के नेताओं को ठहराया है। वहीं वीडियो में बिना किसी का नाम लिए भाजपा सरकार और नेताओं पर आरोप लगाया कि वो मेरे साथ किसी भी तरह की अनहोनी घटना को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें और उनके परिवार को 29 जुलाई तक सुरक्षा दी जाए। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य सुरेश लालावत के खिलाफ न्यायालय में चल रहे एक प्रकरण में जमानती वारंट भी निकला है, जहां फरियादी पक्ष खेमराज शिवहरे के द्वारा राजीनामा आवेदन न्यायालय में पेश किया गया है, जिसके बाद न्यायालय ने थाना कोतवाली श्योपुर को मामले में अभियुक्त सुरेश लालावत को जारी जमानती वारंट की अदम तामीली कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं लालावत की तलाश पुलिस को है। सुरेश कुमार लालावत बहुजन समाज पार्टी विधानसभा कोषाध्यक्ष और नवनिर्वाचित वार्ड क्रमांक एक मानपुर से जिला सदस्य, बीजेपी के लोगों और बीजेपी के नेताओं द्वारा मुझे एक टारगेट बनाया जा रहा है। 29 तारीख में होने वाले चुनाव में मुझे मेरा मतदान से कैंसिल और वंचित कराने का प्रयास और षड्यंत्र रच रहे हैं। बीजेपी सरकार के कुछ लोग के द्वारा मेरे घर पर, मेरे परिवार पर और मेरे रिश्तेदारों पर इतना प्रेशर बना रहे हैं कि ताकि या तो वो हमें वोट करें, बीजेपी सरकार को वोट करें, अन्यथा हम उसे कहीं ना कहीं से भी ढूंढ के उठा के यहाँ पे लाके हम हमारे पकड़ लेंगे और उन लोगों द्वारा मुझे पैसों का भी लालच दिया जा रहा है कि या तो पैसे से खरीद बिक जा या फिर मुझे कई लोगों ने मारने की धमकियां भी दी। मैं शासन प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि मुझे मेरे परिवार को और मुझे सुरक्षा प्रदान करें। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कई दिनों से स्कूल जाने से भी वंचित हैं और मेरे साथ में कुछ अनहोनी होती है तो इसका जवाबदार बीजेपी के कुछ नेता होंगे, जो भी होगा वो बीजेपी दोषी होगी। और मैं मीडिया के माध्यम से शासन से भी फिर अनुरोध करता हूँ कि मेरी सुरक्षा, मेरे परिवार की सुरक्षा की जावे 29 तारीख तक। धन्यवाद।